आज देखिए, आज उनके बेटे के साथ जोगन, सबसे पहले जब ये ऑडियो एक स्क्रैच सॉन्ग मुझे मिला था, फर्स्ट ऑफ ऑल सुरेश सर, जो सुरेश भानुशाली जो फोटोफिट एंटरटेनमेंट के ऑनर हैं, और उनके पास ये सॉन्ग आया तो मुझे सुनाया गया, एक छोटा सा स्क्रैच सॉन्ग सुनाया गया, तो सबसे पहले मेरा वर्ड यही था कि ये सर सॉन्ग सिर्फ मैं ही करूँगा और कोई नहीं करेगा, बिकॉज उसके जो लफ्ज थे जो मेरे कानों में जो गूंज रहे थे ना, एक दो दिन तक तो वही गूंजता रहा, मुझे लगा कि नहीं यार ये गाना तो मुझे ही करना चाहिए, मैं ही करूँगा कैसे भी करके। और फिर मुझे कुछ टाइम बाद पता चला कि मुस्तफ़ा भाई हैं इस सॉन्ग के सिंगर और कंपोज़र जो हैं, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, और जब मैंने सुना कि इनकी मॉम ने लिखा है ये सॉन्ग, तो बहुत सरप्राइज था मेरे लिए, बिकॉज इतने अच्छे वर्ड्स, इतने खूबसूरत शब्दों में वो पूरा पिरोया गया है, तो मतलब मुझे लगा कि यार ये सॉन्ग तो मुझे ही करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग था मेरे लिए, और मेरी लाइफ का अब तक का सबसे खूबसूरत और बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। तो देन बस धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, सुरेश सर और राजीव सर के साथ जैसे हमारी मीटिंग होती गई, बात होती गई, देन उसके बाद ये गाना फ्लोर पर जाने से पहले हमारी कास्ट फाइनल हो चुकी थी, और देन बस फिर छोटी छोटी चीज़ों से पिरोता हुआ आपके सामने आया ये सॉन्ग। मुस्तफा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड जानना चाहूँगा कि आपने संगीत के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है जोगन को, और खास तौर पे लाइव म्यूजिक की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, क्या कुछ ऐसी कोई खास वजह रही है इस चीज़ की? खास वजह बिल्कुल रही, क्योंकि ये बहुत स्पेशल सॉन्ग है मेरे लिए भी ये सॉन्ग। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सुरेश भानुशाली जी का और पूरे फोटोफिट टीम का, कि जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस खूबसूरत सॉन्ग को पेश करने की और इस तरीके के सॉन्ग को पेश करने की, क्योंकि आजकल बहुत कम लोगों को मौका मिल पाता है कि इस तरीके के सॉन्ग को लोगों के सामने लाने के, क्योंकि लोगों के पास इतनी सूझबूझ, लोग आजकल के ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा तामझाम वाले सॉन्ग, यू नो, बहुत वेस्टर्नाइज सॉन्ग पसंद करते हैं सुनना, पॉप सॉन्ग पसंद करते हैं, रोमांटिक सॉन्ग पसंद करते हैं, मगर ये सॉन्ग रोमांटिक होने के अलावा इसमें एक ऐसा सोल था, मतलब ये क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग था पहली बात तो, और इसकी जो कंपोजिशन जो मैंने की थी बहुत डिफरेंट अंदाज में की, जैसे आप लोग जानते ही हैं, आप लोग जब ये सॉन्ग को सुनोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये सॉन्ग, आपको ऐसा महसूस होगा कि संजय लीला भंसाली जी के किसी फिल्म से इंस्पायर्ड है सॉन्ग, और इसकी वजह यही है कि मैं भी काफ़ी, मैंने 3 फिल्म उनके साथ की हैं संजय लीला भंसाली जी के साथ, तो मुझे पता है कि इस तरह के गानों को किस तरह से सजाया जाता है और इस तरीके के गाने को कौन सा रास्ता दें कि वो गाना उस खूबसूरती के साथ लोगों के सामने आए, तो हमने काफ़ी इस पर मेहनत की, और जब सुरेश जी को हमने गाना सुनाया था मैंने, तो उन्होंने तो पहली बार में इसको अप्रिशिएट किया, फिर बाद में अमित सर ने सुना, राजीव जी ने सुना, उन सभी को गाना बहुत पसंद, सबने बहुत अप्रिशिएट किया, तो मेरी जिम्मेदारी हो गई थी कि मैं इस गाने को इस तरह से सामने लेके आऊँ इन लोगों के, कि मतलब ये जिस तरीके से, मतलब जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे, उससे ज़्यादा मैं देने की कोशिश में था मैं, तो मैंने वही कोशिश की, तो लोगों ने बड़ा ही प्यार दिया इस गाने को, तो मैं बहुत ही सभी का बहुत शुक्रगुजार भी हूँ, जितने भी ऑडियंस हैं मेरे सुनने वाले हैं, जो दर्शक हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी का। म्यूज़िक एल्बम तो हमने काफ़ी देखे हैं, बट किसी एक ऐसे नेगेटिव किरदार की या तो फिर किसी विलेन की बात की जाए, इस तरह की एकदम, वो कहते हैं ना हिंदी भाषा में एकदम धासु एंट्री वाला जो था, ये कभी नहीं देखा, तो ये क्या था, मतलब क्या था आपकी एंट्री के पीछे का राज? मेरी एंट्री, मेरा इस एल्बम में आना वॉज गॉड सेंड। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि मुश्तबा भाई यहाँ पर है और आई एम हिज ह्यूज फैन, इनसे भी पहले मैं इनके पिताजी का फैन रह चुका हूँ, बचपन से उनके पिताजी के बारे, अजीज़ नाजा साहब के बारे में सुन के बड़ा हूँ। अजीज़ नाजा साहब वॉज अ वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड टू माई फादर, एंड मैं जिनके बारे में सुन के बड़ा हुआ हूँ, और आज देखिए, आज उनके बेटे के साथ, मुस्तफा भाई के साथ, वो हिमसेल्फ इज अ स्टार सिंगर, ये मौका मिल गया, और इट वॉज गॉड सेंट। और जब मैं पहली बार यहाँ पर आया, आई मेट अमित सर, और अमित सर में से मिले, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा है, ये है, तो ऐसा रहेगा। लेकिन जितना मेरी एल्बम, ये मेरी पहली एल्बम है, तो जितना मेरी एल्बम की समझ है, तो मैं खुश तो हो गया था कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन एन एल्बम। लेकिन जब मैं ऑफिस से निकला, सो आई वॉज लाइक, मैं हाथों बोल के आया, लेकिन क्या ये मेरे साथ जस्टिस होगा? क्योंकि एल्बम में अक्सर क्या होता है, हीरोइन हीरो हीरोइन होते हैं और विलेन बस
आया गया दिखा विखा और हो गया उसका काम। थोड़े कश्मकश में था कि यार मैं बोल तो दिया एक्साइटमेंट में, हाँ हाँ करूँगा, और फिर बस वो सोच थी मेरे मन में, एक डर था मेरे मन में कि यार कि मैंने गलती से हाँ तो नहीं कह। फिर मैं अमित सर से सेट पर मिला और अमित सर ने शुरू की मिसा शूटिंग, और मतलब मैं ज़िंदगी भर उनका ये एहसान नहीं भूलूँगा, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पर मेरे 3-4 सीन लगने वाले थे प्रोमिनेंट, ही सॉ दैट फायर इन मी, ही सॉ दैट स्पार्क इन मी, और उन्होंने मेरे हर सीन को जमा के शूट किया क्रिएटिवली। मेरे अंदर का, मेरे को भी अंदर से उन्होंने परफॉर्मेंस बेस कि मैं उस पर परफॉर्म कर सकूं, उस सीन में खरा उतर पाऊं, उन्होंने वो चीज़ मेरे अंदर से लाई। और जब मैंने एंड गेम देखा इसका, द फाइनल रिजल्ट, आई वाज सो हैप्पी। मतलब मैं आज तक का, मैंने लगभग 15-16 शोज किए हैं और सब अच्छे किए हैं मैंने, इम्पैक्टफुल वाले, लेकिन जो ये चीज़ मिल गई मुझे, ये ज़िंदगी भर ये चीज़ मेरे लिए बहुत करीब होगी मेरे, क्योंकि ये किसी एक इंसान का या एक आर्टिस्ट का योगदान नहीं है, ये दिस इज़ अ टीम वर्क। देन लेट इट बी मुज्तबा भाई सॉन्ग जो उनके पिताजी की याद दिलाता है मुझे, अब उनके ऑफ कोर्स ही हैज़ टू वर्क मोर हार्ड टू रीच अप टू हिज फादर स्टैंडर्ड, जो एक स्टैंडर्ड एक बना के गए हैं। उनका गाना सुन लीजिए, अब कव्वाली सुन लीजिए, चढ़ता सूरज, तो लगेगा मुज्तबा भाई के लिए आज की तारीख में कोई प्रेरणा है तो बस उनके पिताजी। उनकी आवाज़ में गाना जब मैंने सुना, सो आई वॉज इज फैन। मैं नहीं जानता था कि अजीज साहब के बेटे हैं, लेकिन जब मैंने देखा मुज्तबा अजीज नाजा, तो मेरे दिल में किधर ना किधर वो बात रह गई कि काश ये वही हो, वही हो। और आज बस 5 मिनट पहले मैंने खुलासा किया, कहीं आप अजीज नाजा के बेटे ही है ना कि कोई, तो मैंने बोला हाँ, तो मैं इतना खुश हो गया। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई फादर अ फ्यू ईयर्स बैक, अदरवाइज वो इधर आ जाते अभी उनको गले लगाते, बिकॉज ही वॉज थिक फ्रेंड्स विद अजीज नाजा साहब। सो वी हैड अ फंकार, फंकार के बेटे जो खुद फंकार बनने के प्लेटफॉर्म पे ट्रैक पर आई गए, देन अमित सर हो गए जिन्होंने जस्टिस किया मेरे रोल को लेकर, फिर द प्रोडक्शन टीम ऑफ फोटो फिट took care of us, you know, so nicely. जो हमारा पूरा ट्रीटमेंट रहा, it was excellent. उन्होंने, it was like a family, we stayed there. और icing on the cake, आज आप जब ये वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है कि यार इस पर लगे रहेंगे एक आध हफ्ता, ये पूरा वीडियो एक दिन, not even 24 hours, मेरे समय से 16-17 घंटा, 13 hours अगर हम लोग लंच और ब्रेक टाइम लेते हैं तो 13 hours, पूरा जोगन 13-14 घंटे में बना। तो मतलब बाय इटसेल्फ आज जब मैं वीडियो देखता हूँ तो कोई भी देख के मुझे बोलता है, बोला बहुत दिस इज लुकिंग लाइक अ फिल्म। जब मैंने अपने फ्रेटर्निटी में, टीवी फ्रेटर्निटी में इसको बोला, बोला गाना तो अच्छा है, फिल्म कभी रिलीज हो रही है। सो इट गेव देम, डिड जस्टिस टू मुज्तबा भाई वॉइस, जो लीड पैर है हमारे निशान एंड सबा, और काफ़ी हद तक मेरे साथ, और with the director, with the producer, with everybody, with the team. Sorry to interrupt on this. What was your first Jogan launch के दौरान आप नहीं थे, आप lockup show में थे, काफी उस वक्त में भी चर्चा रही आपकी, but what was your first compliment you got जब आप lockup से बाहर आए, और क्या पहला आपको आपके Jogan song के लिए compliment मिला? मैं जब lockup में भी था तो मैं मिलके गया था team से कि okay कब है कैसा है, तो लॉकअप में भी था तो कभी कभी अकेले बैठ के मैं गाना गुनगुनाता था, और मैं सोचता था ये गाना कैसे हुआ रहेगा, पब्लिक का रिस्पांस क्या रहा होगा। जैसे मैं लॉकअप से बाहर निकला, मुझे पहला कॉल आया टोरंटो से, फैमिली से, बोला वो क्या लुक लग रहा है और वो क्या गाना लग रहा है। बोला कौन सा, मैं तो लॉकअप में भी लॉकअप से निकले गाड़ी में बैठा था, बोला वो क्या गाना है और क्या लुक है, वो क्या वीडियो बना है, इट इज़ लुकिंग लाइक अ फिल्म। सो द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सून आफ्टर आई केम आउट ऑफ लॉकअप वॉज अबाउट जोगन। और अगर आप मेरा इंस्टा देखें या फेसबुक देखें तो मैंने लॉकअप का एक या दो ही वीडियो डाला रहेगा, मैं कंटिन्यूसली, मैंने कल भी एक जोगन का वीडियो डाला और आज भी एक डाला और कल भी एक डालूंगा। दिस सॉन्ग सम हाउ, मैं घर पे जाता हूँ, मैं पहले चीज़ बोलता हूँ, एलेक्सा प्ले जोगन,
So I like that song so much. Thanks so much, Mustafa bhai, for you know giving your voice, and I can't tell you. Same hai bhai, aap logon ne bhi jo kamal kiya hai, matlab hamare jo Vineet bhai yahan baithe hain, एक्चुअली लगता नहीं कि वही विनीत भाई हैं जो उसमें दिखते हैं, मतलब इतना खौफनाक आँखों से जो उन्होंने जो उसमें आग लगाई है, तो वो कमाल का परफॉर्मेंस है विनीत जी का, निशान जी का, सभा जी का। अभी सर कास्टिंग की अगर बात की जाए तो निशान, सभा, जिंदगी का विनीत है यार, तो was that in your mind कि हाँ यही मेरी कास्ट है, this is all my Jew, this is the Jogan of mine and this is the main protagonist, और यही मेरे, कुछ खास आपने ध्यान रखा था कास्टिंग? जी, जब ये सॉन्ग आया मेरे पास तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मेरे माइंड में आ चुका था कि मुझे एक लव स्टोरी क्रिएट करनी है, एंड लव स्टोरी क्रिएट करते वक्त मुझे कौन कौन सी कास्ट मेरे ध्यान में चल रही थी। सो उसमें गर्ल्स का तो पहले मतलब मेरी फीमेल आर्टिस्ट है सभा, वो फाइनल हो चुकी थी। देन उसके बाद जब मेरे मेल आर्टिस्ट की बात आती है, तो जब मैंने नरेशन के लिए मैं निशांत के पास गया तो ऑलरेडी वो उसी लुक में थे। मैंने एक बार और पहले ऑलरेडी ये बात उनसे जिक्र में कही थी कि ऑलरेडी वो उसी लुक में थे, तो मुझे वो फाइनल कास्ट मुझे मिल चुकी थी कि हाँ ये तो हैं ऑलरेडी मेरे। तो लव स्टोरी क्रिएट करते वक्त तो ये दोनों मेरे फाइनल हो चुके थे कि चलो ठीक है। अभी जब मेरी मुलाकात विनीत जी से हुई फर्स्ट टाइम, महेश जी ने उन्हें कास्ट किया था, महेश जी के रेफरेंस से ये आए मेरे पास, तो उस समय मैं सच बताऊँ इनका फ्रेम में 2 से 3 सीन थे सिर्फ, ना के बराबर था बिल्कुल इनका काम। लेकिन एक अच्छे कलाकार की बात ये होती है कि वो अपने परफॉर्मेंस से डायरेक्टर या उस पूरी टीम को इतना मजबूर कर दे कि उसके उसके टाइम, उसकी स्क्रीन टाइमिंग बढ़ानी पड़ जाए। ये विनीत जी, ये जो विनीत जी ने किया है वहाँ पे फर्स्ट शॉट में जो मैंने उनका लगाया, मुझे उस टाइम पे भी मुझे ऐसा ही था कि चलो मैं 2-3 सीन इनके बड़े बड़े स्क्रीन टाइमिंग रख लूँगा। लेकिन जब इनकी कार से जो एंट्री इन्होंने दी मुझे, तो मुझे ये मुझे सॉन्ग में पहला मेरा निगेटिव विलेन मुझे मिल चुका था वहाँ पे, कि ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि अब ये गाने को मेरे 4 चांद लगा सकता है यहाँ पे। सो जस्ट मैं विनीत जी का मतलब वहीं बहुत बड़ा ह्यूज फैन हो गया था। मैंने पहले शॉट में इनको बोला था कि नहीं, अब तो मतलब मुझे मेरे 3 मेन मेजरली कास्ट मुझे मिल चुकी है जिस पे मेरा मैं पूरा गेम कर सकता हूँ। तो उसके बाद तो बस आपको पता ही है फिर बात। उसके बाद अमित सर ने ही 2 से 3 सीन थे सिर्फ पूरे सॉन्ग्स में, बट उसको मेजरली ऑन द स्पॉट जो इम्प्रोवाइज़ किया है, इन्होंने खुद इम्प्रोवाइज़ किया है 2 से 3 सीन। मैं आपको स्क्रीन पे अभी बता दे रहा हूँ कि एक सीन था जब वो निशांत को हम लोग लाते हैं और फादर के सामने, तो वहाँ पे कुछ सीन था, मैंने छोटा सा क्रिएट किया था, बस इन्होंने वहाँ पे इम्प्रोवाइज़ किया कि मैं सर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इनको ऐसे फेंकूँगा, यहाँ पे पिस्टल्स उठाऊंगा। तो वो पूरा क्रिएट करना, इम्प्रोवाइज करना एक कलाकार की जो बात होती है, जो डायरेक्टर्स के साथ पहले दिन ही ट्यूनिंग हो जाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम जो डायरेक्टर जो आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर होते हैं, उनकी ट्यूनिंग जमाने में 10 से 20 दिन लग जाते हैं एक सेट पे। उनके सबसे पहले उनका थिएटर होता है उनके साथ प्रैक्टिस होती है, नरेशन में बैठना पड़ता है। लेकिन फर्स्ट डे से मेरी ट्यूनिंग उनके साथ बहुत अच्छी हो गई थी, बाकी और भी निशांत एंड सभा तीनों के साथ। मुस्तफा जी, आपने अभी जैसे कुछ देर पहले कहा कि सज्जन लीला भंसाली के काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं गाने को, कि सेटअप जो है सज्जन लीला भंसाली का लग रहा है, उनका एक पेकिंग एक लग रहा है। आप खुद क्लोजली संजय जी के साथ काम कर चुके हैं, तो आप जोगन के लिए एज एन ऑडियंस आप क्या कहना चाहेंगे कि इज इट रियली जस्टिफाइड टू द संजय जी लीला भंसाली वर्क? नहीं, ऑफकोर्स। और जैसे कि मैंने आपको पता है, मैंने सांवरिया एंड बाजीराव मस्तानी, पद्मावती 3 मूवीज़ के लिए मैंने उनके साथ काम किया है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। तो एज अ ऑडियंस मैं यही कहूँगा कि वाह क्या अच्छा सुनने में आ रहा है, मतलब लाइक इस तरीके का गाना यार आना ही चाहिए, एक्चुअली इस तरीके के गाने बनाने चाहिए, जो कि हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह के गानों की कमी है, जो आपको सिर्फ जैसे कि मैंने बताया संजय जी के गानों में आपको ज़्यादातर उनकी मूवीज़ में आपको सुनने को मिलता है। तो और इस तरीके के गाने, ये भी मैं बताऊँ आपको कि एक मुश्किल टास्क है इस तरीके के गानों को बनाना करना। इसके जो लिरिक्स है जो मेरी मॉम ने लिखा है, जैसे अमित सर ने बताया आपको कि इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करना, तो एक्चुअली एज अ ऑडियंस मैं यही कहूँगा कि लोग चाहते हैं सुनना इस तरीके के गाने, बट बनेंगे तो सुनेंगे ना। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है ऑडियंस की तरफ से, तो एज ऑडियंस मैं यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छा। लेकिन आपको कभी मौका मिला कंगना के साथ शेयर करने का कि यार मेरा गाना आ रहा है जोगन आप देखो, ऐसा कुछ दिल में आया था ख्याल कि एक बार तो बोल दूँ?
नहीं, कंगना अभी जिस रूप में मैं उनसे मिला हूँ वो क्वीन है हमारे लॉकअप की. सो उनके सामने सिर्फ काम की बात कर कि तुमने तुम्हारी ड्यूटीज पूरे किए कि नहीं, उनसे कोई और बात करना तो वो प्लेटफॉर्म पर पॉसिबल ही नहीं. उनसे आप बात कर रहे हो, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं ये तक नहीं बोल पाया उनको कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. आई वॉज लाइक मैडम मैडम मैडम, शी इवन टोल्ड मी यू कैन कॉल मी कंगना. बोला नहीं, मेरे से वो होगा नहीं, मैं आई होप यू डोंट माइंड मी कॉलिंग यू मैडम, आई विल स्टिक टू दैट बिकॉज आई लुक अप टू यू. सो उससे ज़्यादा लॉकअप में तो सिर्फ लॉकअप की बातें होती हैं. बट या अब जो लॉकअप के डायरेक्टर हैं, आज सुबह सुबह ही उनने मेरे जोगन के वीडियो पर बोला है कि इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लॉर्ड विनीत. मैंने 1 मिलियन व्यू जब जोगन का हो गया तो मुझे ट्रोल किया जा रहा है सब जगह ट्विटर पे कि लॉर्ड विनीत हूँ मैं लॉकअप का. लॉर्ड कुछ करता नहीं है, बस सिर्फ देखता रहता है. सो मेरे डायरेक्टर के लॉकअप ने कमेंट किया मेरे वीडियो में, 1 मिलियन व्यूज एंड काउंटिंग. तो उन्होंने लिखा इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लॉर्ड विनीत. एक उन्होंने की मस्ती की मेरे साथ. तो अभी पूरी दुनिया देख रही है और देखेगी बिकॉज सी इवेंचुअली इट इज़ नॉट अबाउट दिस जोगन इज नॉट वन मैंस गेम. लेट अस पुट इट दिस वे, डायरेक्टर का विजन 14 घंटे में इस वीडियो को बनाना, 13 से 14. गायक की आवाज़ जो वीडियो बिना देखे भी कनेक्ट कर ले और लोगों को गुनगुनाने पे मजबूर करे. उसके बाद आते हैं एक्टर्स जो उसमें अपना इनपुट डालते हैं, सो दैट यू नो विजुअली ऑल्सो इट बिकम्स अपीलिंग. ना ही कि यू नो कि भैया ऐसा है कि गाना तो बहुत अच्छा गाया. मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि इतना जब अच्छे गायक ने ये गाना गाया है, डायरेक्टर अपनी जान लगा रहा है, तो एज एन एक्टर ऑफकोर्स निशांत एंड सबा दे आर सीजनड एक्टर्स. इधर बात मेरी थी पर्सनली कि जो हमारी बात भी हो गई थी, डायरेक्टर ने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि देखो भैया शुरू में मैं ये सोच रहा था तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम अच्छा कर रहे हो तो मैं ये कर रहा हूँ. सो मेरे लिए वो ऑन द स्पॉट चैलेंज था कि मुझे अब अच्छा करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको कोई चीज़ अपॉर्चुनिटी मिली है, और जब अपॉर्चुनिटी मिली है तो फिर उसको दोनों हाथ से आपको ग्रैब करना आना चाहिए. एंड आई एम हैप्पी यू नो कि मुझे ऐसा ज़रा भी फील नहीं हुआ है कि यू नो निशांत यहाँ है, सबा यहाँ है और मैं यहाँ हूँ, ये फील नहीं करवाया. उसका प्रूफ है आपके सामने, यू सी द पोस्टर, सबा निशांत आ यह तो मेरे को रखा है ऊपर. मेरा सोलो पोस्टर बनाना, आई एम सो हैप्पी यू नो. वो गाना शुरू होता है मुझसे और लगभग ख़त्म होता है मुझ पर. सो इससे अच्छी चीज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती. आई एम अगेन सो 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 थैंकफुल टू अमित सर एंड मुश्तबा भाई along with Sabha, Nishant and the production team of PhotoFit to have me on the board and you know to make this song a successful song. Abhi main bata raha hu it is million and it is counting, hardly kuch time hua and I'm quite sure ye motivate karega hum sabko fir se ek sath aake isse kuch better karne ke liye. Thank you so much. Ye sab inka bahut hard work hai in sab cheezon mein, तभी ये गाना बहुत सक्सेस हुआ है और काफ़ी काउंटिंग चल रही है. गान का एक गाने का प्लीज, जोगन का एक लिरिक ये तो खुद मैं भी रिकॉर्ड करना चाहूंगा. हुई दीवानी जोगन, हुई दीवानी जोगन, प्रेम रस भी गाए मन, इश्क की भीगी लगन, डोले अगन गाए मन ने, नाम पिया का बोले धड़कन रे, ओ नाम पिया का बोले धड़कन रे. फैंटास्टिक, थैंक यू. क्या हुआ, फैंटास्टिक भाई, फैंटास्टिक, दिस इज सुपर. Keep watching Jogan guys, keep loving us and keep loving the team, and there's a lot of hard work. Mere samne pura thoda team bhi khada hai and everybody, ye sabka input hai, otherwise this was not possible. Keep loving Jogan, God bless. Ye gana bas unhi ke liye bana hai ki jo mohabbat karte hain, aur jo mohabbat karega wo is gane ko sunne se kabhi peeche nahi hatega, aur bas ye chahenge bas apna pyar de is gane ko. Guys please PhotoFit music ko, company ko subscribe kare, like kare, comment kare, aur jogan ko khoob dher sara pyar chahiye. Aapke support ki hame bahut zarurat hai. Thank you so much. Thank you so much.
ब्रो क्या करने का है देखिए गाने में थैंक यू यार आपने तो गाने में सिर्फ ये है तो दोस्तों आपको ये गाना कैसा लगा कमेंट कर हमें बताइएगा जरूर और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गपशप शो।